प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से। आपको बता दें कि पंचकुला में नगर निगम के द्वारा सड़कों के रीकार्पेटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं इस खास मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नारियल फोड़ कर काम का शुभारंभ किया। बता दें कि रेड बिशप लाइटों से रीकार्पेटिंग के काम की शुरुआत हुई है। तो वहीं इस मौके पर पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि पंचकुला में नगर निगम के द्वारा सड़कों के रीकार्पेटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नारियल फोड़ कर इस काम का शुभारंभ किया। बता दें कि पंचकुला की रेड बिशप लाइटों से रीकार्पेटिंग का काम शुरू किया गया है। तो वहीं इस मौके पर पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वो पंचकुला से सामने आई है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नारियल फोड़ कर रीकार्पेटिंग के काम की शुरुआत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का। पंचकुला की सड़कों का निर्माण कार्य है वो आज से हमने यहाँ शुरू किया। नगर निगम बनने के पश्चात ये जो लुक का काम है, ये जो निर्माण का काम है, ये आज शुरू हुआ है। अभी ये जो पहला प्रोजेक्ट है ये लगभग 50 लाख रुपए का है, लेकिन इसके साथ ही आज काम शुरू हो गया है। करोड़ों रुपए की जो सड़कों के निर्माण के काम है वो हम एक दो महीने के अंदर ही पूरे करने वाले हैं। वो हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो हमारे कर्व और चैनल्स को लेकर के सारी प्लेसमेंट को लेकर, चाहे वो ग्रास लगाने का काम है या सौंदर्यकरण का जो काम है, जो हमारे एंट्री गेट्स हैं वहाँ पर, तो ये सारे काम एक साथ एक ही बार में शुरू होकर के पंचकुला को एक बेस्ट शहर, हम ये नहीं कहेंगे कि पंचकुला को पेरिस बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पंचकुला को पंचकुला बनाने के लिए हमारे मेयर साहब और पूरी टीम जो है वो काम कर रही है।